आंकड़ा पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। और भारतीय बाजारों में आज जोरदार तेजी के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखाई पड़ी, या फिर आप ये कह लीजिए कि मोर लेस फ्लैटिश टोन पे ही कामकाज हुआ। हायर लेवल से बिकवाली जरूर आई मार्केट्स में, एक समय में अच्छी तेजी थी, लेकिन उसके बाद हायर लेवल से बिकवाली के बाद फ्लैट बंद होते हुए दिखाई पड़े मार्केट्स। और मेजरली आज भी जो बाइंग थी वो कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर देखने को जरूर मिल रही थी। मिसाल के तौर पर शुगर के अंदर आज खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ रही थी, या फिर सेलेक्टिव रियल्टी स्टॉक्स के अंदर कुछ हद तक मुनाफा वसूली थी, बैंकिंग मुनाफा वसूली थी, ऑटो में मुनाफा वसूली आज के सत्र में देखने को मिली। थोड़ी खरीदारी एनर्जी स्पेस के अंदर थी, फार्मास्यूटिकल के सेलेक्टिव स्टॉक्स थे जहां पर आज के सत्र के अंदर खरीदारी देखने को मिल रही थी। और मेजरली सेलेक्टिव स्टॉक्स जैसे कि अदानी पोर्ट के अंदर खरीदारी थी, ONGC में खरीदारी देखने को मिली थी, PNB हाउसिंग आज फिर अच्छी खासी तेजी में था, नारायण हुदाले, अदानी इंटरप्राइजेज कुछ ऐसे नाम थे जहां पर आज के सत्र में खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन क्योंकि बड़ी तेजी ऑलरेडी हम बाजार में देख चुके हैं और उसके बाद आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली बड़े ट्रिगर के सामने है, ऑटो सेल्स के नंबर्स आने वाले हैं, RBI की मॉनेटरी पॉलिसी शुरू होने वाली है, तो ऐसे अक्रूड में भी तेजी है। इन चीज़ों के बीच में भारतीय बाजार आज थोड़े से ईज आउट होते हुए दिखाई पड़े। सेलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर अभी भी जो मोमेंटम है, जो खरीदारी का दौर है, वो जरूर बना हुआ है। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ ₹20। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। चलिए सवाल जो आपका सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ दर्शकों से। हमारे साथ बहुत सारे सवाल, जिसमें सबसे पहला नाम ही आया है इंडिया मार्ट, टाइटन, अतुल, डाबर, कोटक, 10 साल के लिए। इंडिया मार्ट देख सकते हैं, इक्विटी छोटी है इसलिए वैल्यूएशन महंगा है, इसलिए ध्यान से इसमें पोजीशन रखिएगा। टाइटन अच्छी कंपनी है, क्रेडिबल है और मार्केट शेयर के लिहाज से सबसे बड़ी कंपनी है, तो आप उसको देख सकते हैं 10 साल के लिए, कोई इशू नहीं है। अच्छा, डाबर ले सकते हैं, अतुल भी अच्छी कंपनी है। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अतुल फाइजर और नोवार्टिस में स्टेक भी ओन करती है, तो उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी काफ़ी बड़ी है, तो आप रख सकते हैं। और कोटक भी, लेकिन इंडिया मार्ट में बस एक ही सवाल है कि ये बहुत भागा हुआ शेयर है तो वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं, लेकिन समय समय पर इनका रिव्यू ज़रूर करते रहिएगा, एक बार में आउटराइटली पैसा डाल के मत भूल जाइएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और आरकॉम, राकेश कुमार साहब, आर पावर, आर इंफ्रा को लेकर तो फिर भी नंबर्स में कुछ रिवाइवल के साइन दिखे हैं, आर कॉम में अभी तक कुछ नहीं दिखा है, तो कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर के अगर नंबर्स अगर कंसिस्टेंट रहते हैं तो यहाँ पर आप टर्न अराउंड मान सकते हैं, लेकिन सो फार अभी टर्न अराउंड नहीं हुआ है और आर कॉम के लिए अभी तक कोई ऐसा साइन नहीं दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट वोडाफोन को लेकर भी ऐसा कोई साइन अभी नहीं दिख रहा। आप तो आगे बढ़ते हैं, उसके अलावा NMDC 200 शेयर, ₹200 पर 2000 शेयर। आरती मैम, NMDC का वैसे तो फेयर वैल्यू नीचे के भाव पे बहुत अच्छा था क्योंकि इनकी डिविडेंड यील्ड बहुत स्ट्रांग थी, भागा है मेटल साइकिल के साथ, दोबारा रिवाइवल होता है प्राइस हाइक की जो बातचीत हो रही है जून में, अगर ऐसा होता है तो ज़रूर मेटल सपोर्ट करेगा। अब होल्ड करना फिलहाल तो ठीक है, लेकिन अब आप स्टॉप लॉस रख लीजिए क्योंकि थोड़ा अपर साइड आप मेटल साइकिल में घुसे हैं, तो हो सकता है प्रॉफिट टेकिंग भी यहाँ आए, तो आप क्रूशली अपनी पोजीशंस के अंदर नज़र रखिए। कंपनी में बुराई नहीं है, बस भाव थोड़ा ऊपर है। आगे बढ़ते हैं और एशियन पेंट, 10 साल के लिए। मिश्रा साहब, कंपनी बुरी नहीं है, बस थोड़ा महंगा है, ऑल टाइम हाई पर शेयर है जिसके बारे में भी आप बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, 52% के आसपास का मार्केट शेयर ओन करते हैं ये अपने रिस्पेक्टेबल सेगमेंट के अंदर। दिग्गज कंपनी है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वर्ल्ड वॉर से चली आ रही है कंपनी, और अलग अलग क्षेत्र में इस कंपनी ने एक्सपैंड किया है, नया जो बिजनेस वर्टिकल्स में हाउसिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा रहे हैं वो तो अपने आप में ही बहुत इंटरेस्टिंग वर्टिकल है, तो आप बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लोअर लेवल में मिल जाए तो लीजिए, और इसको आप SIP की फॉर्म में खरीदारी करिएगा कि अभी थोड़ा लिया, थोड़ा नीचे लिया, थोड़ा और नीचे लिया, हाफ भी हो जाए तो भी आप घबराएं नहीं, लेते रहिएगा कि बहुत भागा हुआ शेयर है, नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्पाइस जेट, शर्मा साहब, थोड़ा सा दोनों खबरें आपने सुनी होंगी, इंडिगो स्पाइस जेट को लेकर जहाँ पे एम्प्लॉई की सैलरी काटी गई है, ये कदम वैसे तो एम्प्लॉयज़ के लिए और सबके लिए बुरा होता है लेकिन कंपनी के लिए अच्छा होता है क्योंकि उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाती है। तो अगर कंपनी इस तरह काम कर रही है इसका मतलब डिमांड सिनेरियो बहुत वीक है, वो सिनेरियो आगे भी दिखाई पड़ेगा। जब तक रिवाइवल नहीं हो रहा, अनलॉक नहीं हो रहा, फ्लाइट्स दोबारा शुरू नहीं हो रही, ट्रैवल नहीं हो रहा, तब तक थोड़ा प्रेशर रहेगा, लेकिन मार्केट थोड़ा जल्दी भुनाता है, तो जैसे ही चीज़ें खुलना शुरू होंगी मार्केट पहले भुनाएगा, आपको भाव भी मिल जाएगा। मीडियम टर्म के लिए ठीक ठाक है, लॉन्ग टर्म के लिए नंबर्स के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। अभी तो फिलहाल लॉस ही है, ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा ईज आउट हो जाए, क्रूड $70 आ गया और इनकी पूरी कॉस्ट का करीब 48% के आसपास हिस्सा होता है,
तो थोड़ा सा नीचे मिले तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन पहले सिचुएशन देखें उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए कॉल लीजिएगा, मीडियम टर्म के लिए ज़रूर आप देख सकते हैं। अच्छा ट्राइडेंट शेख साहब, ट्राइडेंट को लेकर वैसे तो रेंज बाउंड्री ट्रेड कर रहा है 15, 15.5, 16, 17 रुपये की रेंज में, 18, 19 रुपये जो उसका 52 वीक्स हाई था वो पार हो जाए उसके बाद तेज़ी आएगी। नंबर्स इतने ख़राब नहीं थे, नंबर्स ठीक ठाक थे और सेल्स के अपडेट भी ठीक ठाक थे, लेकिन नंबर से पहले चला बहुत था तो अब वो थोड़ा सा साइडवेज हो गया है। साइडवेज मूवमेंट एक बार पूरा होगा, दोबारा मोमेंटम पकड़ेगा तो तेज़ी आ सकती है। टूट तो नहीं रहा, ब्रोकर से कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन बाज़ार में ये बज़ है कि ये स्टॉक कहीं 25 से 30 रुपये जा सकता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं और आईटीसी के सर आज नंबर आने वाले हैं और नंबर जो हैं सेन साहब वो आएंगे आज, मतलब पिछले 4 क्वार्टर के नंबर मैंने देखे हैं कोई 6 बजे 7 बजे, पिछली बार 8:30 बजे, उससे पहले 8 बजे, तो इसी रेंज में नंबर आते हैं, तो आप उन नंबर्स के अकॉर्डिंग कॉल लीजिएगा। कल सुबह इसके ऊपर ब्रोकरेज अपग्रेड आ ही जाएंगे नंबर्स के बाद, तो वो नंबर्स ब्रोकरेज अपग्रेड रणनीति होगी इसकी नियर टर्म के लिए। वैसे तो ये स्टॉक थोड़ा स्लो मूवर है, धीरे धीरे चलने वाला शेयर है, तो अगर आप में पेशेंस है तो ही बने रहिए, वरना FMCG के टाटा कंज्यूमर, डाबर, HUL जैसे नाम जो है ये आपको कई जानकार सुझा रहे हैं, आप उसमें भी रणनीति बना सकते हैं। कैडिला हेल्थ केयर 621 रुपये पे। सर कैडिला में फार्मास्यूटिकल में दो तरह के टेक्स हैं, एक तो बड़ा रनअप आ चुका है तो वैल्यू थोड़ा महंगा है, दूसरा इन कंपनियों के पास ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत है। आज भी सुबह कैडिला, ग्लेनमार्क और अरबिंदो फार्मा, ये तीन नाम हमारे जानकारों ने सुझाए थे लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप वैसे इसमें होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका नज़रिया कितने समय के लिए है आप उसको क्रूशली वॉच करिएगा। अच्छा टाटा स्टील और टाटा मोटर्स और सन फार्मा, रोहित बल्होत्रा साहब का सवाल है। सर टाटा मोटर्स को लेकर तो नंबर, सेल्स के नंबर्स आज बहुत क्रूशल थे, पहला पार्ट ये इनको देखिए, 8 तारीख या 10 तारीख के आसपास इनके ग्लोबल सेल्स के नंबर आएंगे उनको देखिएगा। ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट में, CLSE की रिपोर्ट है, 450 रुपये का टारगेट दे रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप उतना टाइम बने रह सकते हैं तो। सन फार्मा के लिए भी ब्रोकरेज हाउसेस का टारगेट है 750 रुपये के आसपास का, लेकिन सन फार्मा में 2008 में एक बायबैक आया था 900 रुपये, अगर वो पार हो जाए तो उसके बाद तो इसमें एक बड़ी तेज़ी की उम्मीद आप लगाएं, लेकिन आप दोनों ही केसेस में कंडीशंस क्या हैं कि आप कितना समय दे सकते हैं, क्या नज़रिया आप रख के चल रहे हैं, अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे कॉल ले सकते हैं। अच्छा एस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, आनंद साहब इसमें अभी नंबर आया था कंस्ट्रक्शन की, अगर आप बात कर रहे हैं तो नंबर आए थे और नंबर ठीक ठाक थे इस क्वार्टर के, बहुत समय से आउट ऑफ स्टीम है, और एक तथ्य ये है बाज़ार में क्योंकि लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन की वजह से जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं, जो पुल्स, रोड्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, जो काम अधूरे रुके हुए थे उनको तेज़ी से पूरा किया जा रहा है क्योंकि ट्रैफिक नहीं है रोड्स पे, तो अगर ये हो रहा है तो इक्विपमेंट की डिमांड बहुत स्ट्रांग आ रही है, ये बिटवीन द लाइंस कहीं ब्रोकरेज ग्रुप्स में बातचीत हो रही है। आप इस हिसाब से अगर सोच रहे हैं तो ठीक है, कंपनी भी ठीक ठाक है, इस कारोबार में ये अग्रणी है यहाँ पर, क्योंकि और कोई इसके टक्कर में ऐसा कंपनी है नहीं, रेवती इक्विपमेंट जैसी कंपनियाँ हैं, एस्कॉर्ट्स का भी कुछ कामकाज है, L&T का भी है कोमेट्सू के साथ, लेकिन फिर भी आप एक्शन कंस्ट्रक्शन में बने रह सकते हैं, अपडेट्स देखते रहिए और अकॉर्डिंगली यहाँ पे कॉल ले सकते हैं। अच्छा शिल्पा मेडिकेयर, शेख साहब शायद हमारी पहले भी कई बार बात हुई है इस पर, शिल्पा मेडिकेयर बड़े समय बाद इस भाव पर आया है और लोअर लेवल पे बहुत पेशेंस लेने के बाद आया, 380 रुपये शायद 360 रुपये का लो बनाया था, वहाँ से चला और अब ये भाव देखने को मिला है। नंबर्स के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आप कह सकते हैं, नंबर्स भी इतने कोई फायर वर्क नहीं थे, लेकिन अगर ये मोमेंटम गैदर रखता है जो उसने हाल फिलहाल में रखा है तो आप इसे ज़रूर, इसका पुराने हाई 670 रुपये शायद था वो तोड़ता हुआ देखेंगे, तो आप अकॉर्डिंगली आप कॉल लीजिए, लेकिन हाँ इतना समय आपने दिया तो आप ज़रूर यहाँ पर बने रह सकते हैं। सिम्फनी वर्सेस वर्लपूल, सर दोनों के अपने अपने ट्रिगर हैं, दोनों के अपने अपने कारोबार हैं। सिम्फनी इज़ इन टू कूलर्स एंड कूलिंग सोल्यूशंस, वर्लपूल फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC जैसे कारोबार के अंदर है, मल्टीनेशनल जायंट है, US की, सिम्फनी गुजरात की कंपनी है, तो दोनों में अपने अपने ट्रिगर्स हैं। सिम्फनी बहुत चला हुआ शेयर, वैसे चला हुआ वर्लपूल भी है, लेकिन फिर भी पेरेंटेज के हिसाब से वर्लपूल ज़्यादा मजबूत स्टॉक है, US पेरेंट है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, अच्छे एवेन्यूज़ हैं, आप वर्लपूल पे सिचुएशन को ज़्यादा तवज्जो दें, भाव पर बाकी डिपेंड करता है, लेकिन अगर वर्लपूल आपको किसी दाम पे, अच्छे दाम पे मिल जाता है तो आप ज़रूर उसमें एंटर कर सकते हैं। अच्छा BHEL, अनिल कुमार सिंह साहब, BHEL के ऊपर एक ही ट्रिगर है कि इसकी एसेट वैल्यू बहुत है, शेयर बहुत चला था,
मानस ने 120 रुपये के टारगेट दिए थे एक समय पर, लेकिन वो अचीव नहीं हो पाया, उसके बाद ये प्रॉफिट टेकिंग चपेट में आया। तो थोड़ा वेट कर सकते हैं अभी तो आप, लेकिन इसमें टेक्निकल कॉल लेना ज़्यादा औचित्य होगा। फंडामेंटली तो ये कंपनी अच्छी है, बुरी नहीं है, लेकिन इसके ऊपर कई ट्रिगर्स हैं, डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर भी, असेट मोनेटाइजेशन को लेकर भी, तो कुछ चीज़ें आ जाए, क्लैरिटी आ जाए, उसके ऊपर आप कुछ कॉल लीजिए। ब्रोकरेज हाउसेज टारगेट इसके ऊपर जो थे वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं नंबर्स के बाद। अच्छा, एम टी ए आर पे रामेश्वर पी वी साहब का एक सवाल है, सर एम टी ए आर के नंबर्स आने वाले हैं, इसलिए इस पर भी टिप्पणी करना ठीक नहीं है, एक बार नंबर्स आ जाए इसके, उसके बाद कुछ भी कॉल लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आप पहले नंबर आ जाने दीजिए, हाउस व्यूज़, क्योंकि बहुत लंबी हिस्ट्री नहीं है, क्लाइंट तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन नंबर्स कैसे आते हैं वो दो तीन चीज़ें इनको आप देख लीजिए, अकॉर्डिंगली इसके ऊपर हम कॉल लेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है। अच्छा दीपक नाइट्राइट, सर पटेल साहब कंपनी बहुत अच्छी है बट बहुत चला हुआ स्टॉक है, तो आप उस हिसाब से कॉल लीजिएगा, बहुत ज़्यादा भागा हुआ स्टॉक है। दीपक नाइट्राइट को कई बारी राजेश अग्रवाल साहब ने रिकमेंड किया था, दीपक फर्टिलाइजर को भी और नाइट्राइट को भी, और दोनों इनके टारगेट्स अचीव भी हुए और रिवाइज भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी आप बने रहें यही ज़्यादा बेटर है। लेकिन आप समय कितना दे सकते हैं उस पर आपको नजर रखना होगा, कि बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई है तो थोड़ा कूल ऑफ होना लाजमी है, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। अच्छा सिंजिन मंगल साहब, सिंजिन वैसे तो सर कंपनी बहुत बढ़िया है, बायोकॉन की आम है, 60% के आसपास स्टेक ओन करते हैं, उनके ईबीटा का क्रूशियल हिस्सा कंसो कारोबार में ये कंपनी लाकर देती है, करीब पहले तो 58% था, अब शायद घट के 38 से 40% के आसपास है। क्रैम्स बिजनेस में है और रिसेंटली टाइप भी किया इन्होंने कोविड की दवाई बनाने के लिए, तो कंपनी अच्छी है, कंपनी में कोई बुराई नहीं है, थोड़ा चला हुआ शेयर है। आप जो सिंजिन आज देख रहे हैं 700 रुपये या 600 रुपये का दाम, ये 180 रुपये होता था, फिर उसमें 280 रुपये तक गया, वहाँ बोनस आया 1:1, उसके बाद ये आज जो बोनस एडजस्टेड दाम है वो आपके सामने है, तो हो सकता है थोड़ा ईज आउट हो, लेकिन आपको अगर ये नीचे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ब्लेसिंग इन डिसगाइज है, आप ज़रूर इसमें खरीदारी करें। 500 रुपये के आसपास बहुत समय तक अभी ये रहा था, वहाँ से चलना शुरू हुआ और वापस 600 रुपये की रेंज में आ गया, तो आप ज़रूर इसके अंदर बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ब्रोकरेज हाउस टारगेट 650-635 के आसपास के हैं। सेल को लेकर त्रिपाठी साहब, कल यतिन ने डीलर्स रूम में इसमें बस की बात की थी, क्योंकि स्टील प्राइसेस दोबारा बढ़ने की बातचीत हो रही है, तो अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो ज़रूर इनके रियलाइजेशन अच्छे होंगे, मार्जिन अच्छे होंगे, और पूरे स्टील में ही राधर टाटा स्टील, सेल, JSW JSPL, इन सब में ही प्राइस हाइक का एक बड़ा इम्पैक्ट होगा, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर कॉल लीजिएगा। बस ये ध्यान रखिए कि कोई भी मेटल स्टॉक पिछले इस साल में 52% चल चुका है 5 महीने के दौरान, तो इतनी बड़ी तेज़ी के बाद ये सेक्टर कूल ऑफ होना हो रहा है अगर, तो कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा कूल ऑफ होगा उसके बाद चलना शुरू होगा, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। इसके अलावा नारायण हृदयालय, दवे साहब आज ही ये मैनेजमेंट आया था CNBC आवाज़ पर, बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्री देखे गए, नंबर्स भी ठीक ठाक हैं और बहुत जाने माने इनके प्रमोटर हैं, अच्छी कंपनी है, अच्छे प्रमोटर हैं, स्ट्रॉन्ग कामकाज में है, और बहुत ही आप इनके बारे में कभी खुद पढ़िएगा, आपको खुद को जान के बहुत अच्छा लगेगा इस कंपनी के बारे में और इन कंपनी के मालिक के बारे में। तो वैसे इस कंपनी में बुराई नहीं है कोई, अच्छी बिजनेस में है, लेकिन स्लोली एक्सपैंड कर रहे हैं बाकी एग्रेसिव प्लेयर के सामने, तो आप अभी तो बने रह सकते हैं, नंबर्स भी ठीक ठाक हैं और अकॉर्डिंगली यहाँ पर आप समय के साथ कॉल ले सकते हैं। CG पावर कुमार साहब, इसमें एक बड़ी तेज़ी आई, 92 पे एक बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस है, बहुत मल्टीपल ईयर का हर्डल है, वो 5 साल का शायद हर्डल है जो इसने 92 पे जाके रेजिस्टेंस के तौर पर देखा और उसके बाद गिरावट आई। तो इसमें 7 जून या 4 जून, तारीख मैं भूल रहा हूँ, इस दिन एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के ऊपर AGM है जिसमें 72-73 रुपये का एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है, तो वो अलॉटमेंट के बाद ये शेयर दोबारा स्टीम पकड़ेगा। अभी तक नंबर्स की डेट आई नहीं थी, जो मेरी लास्ट मैंने पर देखा था इसको, नंबर्स की डेट आ जाएगी तो उसके बाद स्टीम आनी शुरू होगी। आपको ये 80 रुपये के नीचे शायद जाता हुआ ना दिखाई पड़े हाल फिलहाल में, लेकिन अगर जाता है तो आप ज़रूर इसमें खरीदारी कर सकते हैं, वापसी ऊपर के लेवल 120-150 तक के देखने को मिल सकते हैं, आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे कॉल लीजिए। मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है और नंबर्स भी बहुत अच्छे हो चुके हैं, अब 3 क्वार्टर से कंसिस्टेंट नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो अब 4th क्वार्टर है, देखते हैं कैसे आंकड़े आते हैं। फुल ईयर EPS अगर पॉजिटिव आ गई तो बाजार वैसे भी इसको रीरेट कर देगा। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि परसों जो मॉर्गन स्टैनली का MSCI रीबैलेंसिंग था स्मॉल कैप इंडेक्स में, उन्होंने भी इसके अंदर शेयर खरीदे 85 रुपये के दाम पर, तो अगर वो इस दाम पर खरीद सकते हैं तो आप तो ले ही सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आप खरीदारी कर सकते हैं। चलिए फिलहाल अब इतने ही सवाल मैं शामिल कर पाऊंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से आज जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे। आपसे कल फिर मुलाकात होगी इसी जगह पर, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @SumitResearch, मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।